आज मैं आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि आप अपनी कार पे यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो कॉस्ट है वो आधी होने वाली है। अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पेंट कार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो शुरू करते हैं पहले प्रोडक्ट से। देखो, आपने मेरी पहली वीडियो देखी है जिसमें हम 2K में कैसे काम कर रहे थे, आपको मैंने एक एक चीज के बारे में बताया। ऐसे ही मैं इस प्रोडक्ट के लेके आया हूँ आपके लिए। एक बॉडी फिलर है, ये निपोन पेंट का बॉडी फिलर है, इसके हार्डनर के साथ आता है, वही सेम रेशियो रहती है इसकी। देखो, ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत सस्ता मिल जाता है मार्केट के अंदर, 250 रुपये के आसपास आपको, 280-250 रुपये में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, निपोन का बॉडी फिलर। ये एक सस्ती सस्ती रेंज का प्रोडक्ट है। अच्छी प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, पर आप इसमें सस्ते में बात कर रहे हैं वीडियो की, तो बिल्कुल सस्ते वाले प्रोडक्ट की बात करेंगे, पर करेंगे कंपनी की। कोई भी इसमें ऐसा देसी प्रोडक्ट नहीं होगा कि हमने इसमें देसी चीज़ यूज़ कर दी है। तो बॉडी फिलर के बाद आप सीधा, हमें फिनिशिंग की जरूरत पड़ती है तो हम उसमें एनसी पट्टी यूज़ करेंगे। एचडी की एनसी पट्टी सबसे अच्छी एनसी पट्टी मानी जाती है इंडिया के अंदर। तो ये एनसी पट्टी आप अपने कार के ऊपर लगा सकते हैं बॉडी फिलर के बाद, प्लेन करने के लिए। प्लेन करने के बाद जैसे ही आपने एनसी पट्टी की पट्टी लगाकर आपने सरफेस क्रिएट करा, बिल्कुल जो ये पट्टी है बड़ी स्मूथ होती है, ग्रे कलर की पट्टी आती है। कई बार कस्टमर्स क्या करते हैं, इसके अंदर कलर भी मिला लेते हैं जो पेंटर्स हैं, थोड़ा सा अलग कलर बनाने के लिए। तो ये इन दोनों प्रोसेस के बाद रेगमार तो लगता ही है, रेगमार हर बीच स्टेप में लगता ही रहेगा, लगता ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि देखो, बेस तो हमारा बन गया, अब कलर ही तो महंगा है, अब कलर कौन सा यूज़ करें। सबसे बड़ी परेशानी ये हो जाती है कस्टमर जो पेंटर है कि सर पेंट तो महंगा ही आता है, पेंट महंगा ही आता है। ऐसा नहीं है, मार्केट में सस्ते पेंट भी अवेलेबल है कंपनीज के ही, तो वो बात करता हूँ मैं। तो ये चीज़ करने के बाद जो पेंटर्स हैं, देखो वो एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं कि जिससे पेंट कम लगे। तो वो शॉर्टकट तरीका होता है एनसी का बेस बनाने के लिए। जैसे आपने ग्रे कलर का बेस बना लिया, अब ग्रे कलर के बेस के ऊपर एनसी की कवरिंग यूज़ कर देते हैं। जैसे एसडी का मेरे पास ये ऑटो कोट का एनसी पेंट है गोल्डन येलो, अगर येलो गाड़ी पेंट करनी है तो येलो की कवरिंग उसके नीचे हम दे सकते हैं। ऐसे ही व्हाइट कलर है तो व्हाइट का यूज़ हो सकता है, जैसे नेरोलैक का न्यू स्पीरो व्हाइट आता है नैप के नाम से, तो वो यूज़ कर सकते हैं हम। तो ऐसे अलग अलग कलर्स की कवरिंग हम बनाकर यूज़ कर सकते हैं गाड़ी के नीचे, जिससे क्या है कि जिसका जौन सा कलर आपको करना है, जैसे व्हाइट करना है तो आपका व्हाइट बेस बन गया, ग्रे करना है तो ग्रे बन गया, येलो करना है तो येलो बन गया, रेड करना है तो रेड बन गया, ऐसे आपको बेस क्रिएट कर लेना है। तो जैसे ही आपने बेस क्रिएट करा, अब आती है कलर की बारी। देखो, अब मेरे पास जैसे ये पीपीजी का रेडीमेड शेड है, जैसे ये तो होंडा का है, ऐसे काफ़ी मार्केट के अंदर नेरोलैक हो गया, बाइलेक्स हो गया, जैसे पीपीजी का जो है, ऐसे ही निपोन पेंट्स के रेडीमेड शेड्स आते हैं। रेडीमेड शेड कैसे, जैसे बेस पर्ल है वो रेडीमेड बेस पर्ल आती है, ऐसे ही अलग अलग कलर्स आते हैं, ग्रे नेट ग्रे, सिल्की सिल्वर, काफ़ी जो रनिंग शेड्स हैं मार्केट के अंदर। जैसे सिल्की सिल्वर की गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, डायमंड व्हाइट की गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, न्यू स्पीरियो व्हाइट की गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, तो वो कलर कंपनी क्या करती है, ऐसे रेडीमेड शेड्स बना देती है जो रनिंग शेड्स होते हैं। तो वो रनिंग शेड्स इस ये पैकेजिंग में आते हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इनकी कॉस्ट की बात करें तो यही कलर की कॉस्ट आधी होती है जो हमारी मशीन से टिंट होते हैं कलर, पर उसकी क्वालिटी में देखो कहीं ना कहीं फर्क रहता है। ऐसा नहीं होता कि जो हमारे को मशीन से कलर बनता है उसकी कवरिंग अच्छी होती है, उसकी लाइफ अच्छी होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, बट ऐसा नहीं है कि इसकी भी ड्यूरेबिलिटी कम होगी या लाइफ कम होगी। देखो, अब ये थोड़ा सस्ता है, आधी रेंज का प्रोडक्ट है, जैसे वो 2000 का है तो ये 1000 का है, बट इसमें क्या हो सकता है कि इसमें आपकी लाइफ थोड़ी सी कम रहेगी, उससे उसी उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी, उसकी कवरिंग कम होगी, थोड़ा सा पतला होगा ये पेंट, तो इसमें थिनर की जो मात्रा है वो कम यूज़ होगी। बट ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही डेड क्वालिटी का है, डेड क्वालिटीज़ के भी बहुत सारे पेंट्स आते हैं, थर्ड थर्ड पार्टी के, थर्ड जो थर्ड क्लास कंपनीज हैं उसके पेंट्स आते हैं, वो पता नहीं क्या यूज़ करते हैं। तो ये कंपनी स्टैंडर्ड कंपनी है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ हमारे को गलत प्रोवाइड करेंगी। तो ऐसे ही जब हमने अपना कवरिंग के बाद जब हमने ये पेंट लगाया, पेंट लगाने के बाद देखो वैसी कॉस्टिंग कम हो गई। अब उसके बाद आती है क्लियर की ओट की बारी। हमने वहां पर बात करी थी कि हम अच्छी 1400 वाली क्लियर को यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम वैसे ही सुपर क्लियर लेके बैठा हूँ। यहाँ पर सुपर क्लियर के ये सेट आता है हार्डनर के साथ, तो ये 550 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमारी गाड़ी हो चुकी है पेंट। तो आपने सारा सेटअप देख लिया, ये 221 क्लियर है, आप इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं, सेम रेंज की क्लियर है,
सौ दो सौ का फर्क होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही ये थिनर है, अब ये थिनर निपोन का थिनर है, अब निपोन का थिनर ये 200 रुपये में मिल जाता है, बाइलेक्स का थिनर यूज़ करेंगे तो वो आपको 250 रुपये तक का मिल जाएगा। तो ऐसे ही एच डी का भी थिनर आता है, कोई मेरे पास पूछते हैं कि सर ये थिनर यूज़ कर लें, एच डी का भी थिनर आता है, एच डी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक जेनुअन कंपनी का थिनर यूज़ करेंगे तो शिकायत की जो आपकी परसेंटेज है वो कम रहेगी। अब हम बात करते हैं प्राइस रेंज की। देखो ये 250 रुपये का आ गया, 180-200 रुपये का आपको एनसी पट्टी मिल जाएगी, 400 रुपये के आसपास आपको कवरिंग मिल जाएगी। पेंट की बात करें तो 1000 रुपये के आसपास आपका पेंट मिल जाएगा। क्लियर की बात करें तो 550 की आपको क्लियर मिल जाएगी। थिनर की बात करें तो 200 रुपये का आपको थिनर मिल जाएगा। तो ये सब सेटअप आपने जो मेरे पास अभी देखा है, ये जेन्युइन कंपनी का सेटअप है, बिल्कुल आप जेन्युइन तरीके से, जिसको पेंटर को पता है कि कैसे काम करना है, एक नॉर्मल बजट में आपको कैसे काम करना है। देखो अगर लाइफ की बात करूं मैं इन सब प्रोडक्ट्स की, तो 5-6 साल आपका कहीं नहीं जाएगा कलर, अच्छा पेंट की क्वालिटी रहेगी। देखो क्लियर की भी क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्लियर है, सुपर क्लियर अच्छी है, 2:1 क्लियर बड़ी अच्छी क्लियर है, गाड़ी क्लियर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपकी डेड क्वालिटी आपने पेंट कर दी। बहुत अच्छी रेंज में, अच्छे प्राइस रेंज में आप ये प्रोडक्ट्स खरीद के अपनी गाड़ी को पेंट कर सकते हैं। जो काफ़ी डीलर्स की गाड़ियां होती हैं, देखो डीलर्स कई बार कहते हैं कि नहीं हमें पैसे नहीं खर्चने, कई कस्टमर ऐसे आते हैं जिसकी गाड़ियां पुरानी हो गई हैं और वो पैसे नहीं खर्चना चाहते अपनी गाड़ियों पे, तो वहां पर ये प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। और जिनकी गाड़ी है जेन्युइन गाड़ियाँ है, कुछ स्क्रैच लगा है, तो आप उसको टोके यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा सेटअप थोड़ा एक इको फ्रेंडली रेंज के अंदर लेके आने का था। कस्टमर कह रहे थे मेरे को, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, कि सर एक थोड़ा सा वीडियो चीप वाली रेंज में भी अच्छी क्वालिटी का भी मेरे को वीडियो बना के दो, तो वो एक हमने आज